यह तस्वीरें जो आप देख रहे हैं खाटू श्याम पार्क की हैं, जहां मुख्य अतिथि के रूप में द्वारका एसीपी मदनलाल मीना ने दिल्ली के ककोला खाटू श्याम पार्क में आयोजित राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2023 के अवसर पर उपस्थिति दर्ज करते हुए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन GNN न्यूज की टीम ने किया था, जिसमें स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण संदेशों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा। मदनलाल मीना ने इस अवसर पर स्कूल के बच्चों एवं गुडविल सोशल ट्रस्ट की टीम के साथ मिलकर सैकड़ों वृक्ष लगाए और इसके माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण की ओर एक कदम और बढ़ाया। इस प्रयास के माध्यम से वे नागरिकों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि वे भी अपने समुदाय में पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक पहल करें। इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के महत्वपूर्ण संदेशों को बढ़ावा देने के साथ साथ यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने में भी मदद करेगा कि कैसे हम सभी मिलकर पर्यावरण की सुरक्षा में योगदान कर सकते हैं। आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है सर, और आज हमने GNN न्यूज की ओर से यह वृक्षारोपण का कार्य किया है और आप यहाँ पर पहुंचे हैं, तो कैसा लगता है आज और आज के दिन के बारे में? ऐसा है जैसा कि हम देख रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के लिए इस पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तभी ये इनके चेहरे खिलते मुस्कुराते रहेंगे ना, अदरवाइज तो पोल्यूशन नहीं रहेगा तो ये सारे के सारे इनके फेफड़े वगैरह सब खराब होकर ये सारे के जी भी नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, इन बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। सारे बच्चे हैं जो एक एक पेड़ लगाएंगे, ये भी आपकी तरह छोटे हैं और इनकी भी रक्षा करनी पड़ेगी आपको। डेली आके लगाएंगे तो आके इनकी देखभाल करेंगे कि मेरा पेड़ मुरझा तो नहीं गया। जिस तरह से आपका चेहरा खिला हुआ होना चाहिए इसी तरह से इनको भी, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, जब ये खिलते रहेंगे तभी आप खिलते रहोगे, ठीक है ना? हाँ, सारा का सारा पोल्यूशन को ये कंट्रोल करते हैं इसलिए। ककरोला के खाटू श्याम पार्क में इस समय मौजूद, आपको बता दें कि आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है और आज के समय हमने यहां पर पौधारोपण का कार्य किया है और इस कार्य के आयोजन में हमने द्वारका एसीपी मदनलाल मीना भी बुलाए हैं। आपको बता दें इस समय मौजूद हैं हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग और बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं आज के दिन के लिए। सर अपना परिचय दीजिए। करतार सिंह दैया हरिविहार, ये पार्क के साथ में मकान है। यहाँ पॉल्यूशन का बहुत ज़बरदस्त अभियान चल रहा है। पेड़ पौधे हमने भी जितना भी रोपण किया है और कोशिश भी और भी कर रहे हैं, परंतु दिल्ली के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल तब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है जो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, परंतु फिर भी पौधा रोपण बहुत ज़रूरी है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है, क्या कहते हैं आप? अच्छी बात है, समय समय पे अगर कोई नियंत्रण प्रोग्राम चलता रहे तो जनहित में है और पॉल्यूशन पे कंट्रोल पाने का सबसे पहला स्टेप है व्हीकल रजिस्ट्रेशन कम हो, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो तो उस पर लग्जरियस टैक्स इतना लगे ताकि व्हीकल जरूरत पड़ने पर ही घर से निकाला जाए। बहुत अच्छी बात की है कि भाई इतना टैक्स लगा दिया जाए व्हीकल पर रजिस्ट्रेशन पर कि उसको महसूस हो कि अगर मुझे ज़्यादा ज़रूरी है तभी मैं अपनी गाड़ी को बाहर निकालूं। क्या कहते हैं अंकल आप ऐसे मौके पर? भाई ऐसा है, धुआं प्रदूषण वगैरह जो है ये जो हो रहा है पॉल्यूशन से, इससे जो है गाड़ियों से, ये ज़्यादा कुछ फैक्ट्रियों से है, कुछ ये पराली वराली जो जला रहे हैं उनसे है, उसको कंट्रोल किया जाए।
फिर भी आज के दिन हम लोग चैनल वाले हैं, पत्रकार लोग हैं, GNN न्यूज एजेंसी की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। क्या कहते हैं ऐसे में पत्रकार जब ऐसे काम करें? पत्रकारों का प्रोफेशन ये अच्छा है, जनहित में होता रहा है, होता रहेगा। पत्रकार ने सिर्फ ये है देखना चाहिए, कुल की तरह काम करते हैं जर्नलिस्ट लोग, जनता की बात सरकार तक और सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं, और ये होता रहना चाहिए। दिल्ली में पॉल्यूशन की अब सिर्फ एक ही वजह रह गई है, आउट ऑफ कंट्रोल व्हीकल रजिस्ट्रेशन। और व्हीकल पे जब तक लग्जरियस टैक्स कम से कम 300% ना लगेगा, जब तक व्हीकल बेमतलब बेवजह ऐसे ही सड़कों पे दौड़ते रहेंगे। या तो फ्यूल पे टैक्स बढ़े या इंश्योरेंस पे कंपलसरी हो, तभी पॉसिबल है कि जरूरत पड़े तो व्हीकल निकालो। परिचय दीजिए अपना। आई एम RS कौशिक, रिटायर्ड डिप्टी मैनेजर फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। तो देखिए, ये पूर्व डिप्टी मैनेजमेंट हिंदुस्तान टाइम्स के हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि 300 गुना टैक्स लगा दिया जाए उन गाड़ियों पर जो गाड़ियां फालतू चलती हैं, और गाड़ियों पर जब इतना टैक्स लगेगा तो दबाव पड़ेगा आदमी पर, और वो जब ज़रूरत ज़्यादा होगी तभी अपनी गाड़ी निकालेगा, जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल कर पाएंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि GNN न्यूज एजेंसी की ये पेशकश जारी रहेगी, प्रक्रिया में अभी और भी लोग आने हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। आपको बता दें कि GNN न्यूज एजेंसी की ओर से जो कार्यक्रम किया जा रहा था, ये कार्यक्रम एक महिला सशक्तिकरण, हम आपको बता दें कि समाज सेविका, सामाजिक कार्यकर्ता कहें उन्हें या समाज के लिए प्रेरणा स्रोत कहें, स्मिता सिंह, उन्होंने इस कार्यक्रम की स्थापना की, इन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, प्रक्रिया में उन्हीं का हाथ रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या सोचती हैं वो पर्यावरण को लेकर, और आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे की बात को देखते हुए। धन्यवाद GNN का, जो आप लोग यहाँ आए और इसमें आपने हमारा साथ दिया। आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है और आज के दिन आपने यहाँ पर वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम को आयोजित कराया है, और यहाँ पर जो सभी पदाधिकारियों को भी बुलाया है, यहाँ पर बहुत सारे अभी बुजुर्ग भी थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, तो क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को देखकर? जैसे इन्होंने बताया व्हीकल के बारे में कि व्हीकल का 300% टैक्स बढ़ा दिया जाए। ये तो बिल्कुल एक सही चीज़ है कि पॉल्यूशन का जो मेन रीज़न है दिल्ली में वो व्हीकल्स हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में चलते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग गाड़ियों में घूमना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जिससे पॉल्यूशन ऑफ कोर्स फैलता है। पर अब इस पे मैं इतनी ज्ञानी नहीं हूँ, अभी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वह हमारे एरिया में ही रहते हैं, उन्होंने आपको इस बारे में बताया। अपार्ट फ्रॉम दैट, पॉल्यूशन जो हो रहा है वो तो लाइफस्टाइल की वजह से होगा ही। हम जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि पौधे लगाएं और उसके साथ बच्चों को और लोगों को प्रेरित करें कि गार्डनिंग और पौधे लगाना वो अपनी हॉबी में लें, ताकि हम पौधे ज्यादा से ज्यादा दिल्ली में ग्रो कर सकें और पॉल्यूशन से लड़ाई करने में अपना पहला कदम रख सकें। तो आपने सुना कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं स्मिता सिंह, और हर कार्य में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, और आपको बता दें कि महिलाओं के लिए भी बहुत लड़ती हैं, साथ ही पर्यावरण पर भी इन्होंने बखूबी बहुत सारे काम किए हैं, और बहुत सारे वृक्ष ये हमेशा नित्य दिन वितरण करती ही रहती है। तो अभी और भी हमारा कार्यक्रम बाकी है, हम आपको और भी दिखाते रहेंगे, फिलहाल के लिए ब्रेक। नमस्कार दोस्तों, आज बड़ा खुशी का दिन है, आपको बता दें कि आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है, और आज इस मौके पर हमने पौधे लगाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आज आप जानते हैं कि पॉल्यूशन से भरे हुए हैं शहर, और पॉल्यूशन से निजात देने के लिए हम पीपल का पौधा लगा रहे हैं, जो कि ऑक्सीजन देता है, और आप जानते हैं कि जीवन के पलों को सींच देता है ये पीपल का पेड़। अब हमारे भाई बताएंगे, राजेंद्र यादव जी। देखिए, पीपल आपको 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, इसलिए इनका अगर आप वृक्षारोपण करते हैं तो बहुत ही हमारी ज़िंदगी के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने हाथ से एक एक दो दो पौधे अवश्य लगाएं, और जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा बने और सभी के लिए ये फलदायक। और बता दें कि आज इस मौके पर हमने द्वारका ACP मदन लाल मीणा जी को भी बुलाया है, कुछ ही देर में वो हमारे बीच होंगे और उनके साथ भी हम ये वृक्षारोपण का काम जारी रखेंगे। और हम आपसे चाहते हैं, अपील है हमारी, कि
सारे देश में पीपल के पौधे जरूर लगाएं, क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई पौधा है तो वो है पीपल। पीपल लगाने से आप स्वस्थ रहते हैं। और इस समय मौजूद हैं द्वारका के ककरोला खाटू श्याम पार्क में, जहां पर बहुत सारे स्कूली बच्चे हमारे साथ यहां पर पौधारोपण का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस प्रकार से बच्चे बड़े खुशी से मग्न होकर पौधों को लगाने के लिए यहाँ जमीन खोद रहे हैं, और किस प्रकार से बच्चों में एक उमंग है हरियाली को लेकर, हरित दिल्ली को लेकर, और जहाँ पॉल्यूशन फ्री दिल्ली बनाने की बात को लेकर बच्चे आज बहुत खुश होकर, छोटे छोटे बच्चे हैं और स्कूली बच्चे हैं, प्ले स्कूल के भी बच्चे यहाँ मौजूद हैं, और वो सभी यहाँ पर इस वृक्षारोपण में हमारा साथ दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ अभी यहाँ पर एक टीम और आएगी और हम उसके साथ भी जुड़े रहेंगे। आप देखते रहिए GNN न्यूज। यादव जी, देखें कि पीपल के वृक्ष का जितना महत्व है पर्यावरण के लिए, ऑक्सीजन के लिए, उतना ही महत्व खूबसूरती के लिए भी है। जैसा कि गेंदे के फूल की बात करें, सीनियर अफसर दिल्ली पुलिस के हमारे बीच आने वाले हैं, तो वो भी अपने हाथ से ये वृक्षारोपण में अपने आप को शामिल करें। और साथ ही हम आपको बता दें कि पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आपके जीवन में, क्योंकि ऑक्सीजन देने की अगर बात करें तो 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम पीपल का पेड़ ही करता है, और बहुत सारी बीमारियों से भी आपको ये बचाता है। साथ ही खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती भी होना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि गेंदे के फूल की बात करें। तो राजेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं, सर क्या कहते हैं आप खूबसूरती की अगर हम बात करें? ये गेंदा जो है इसको हमारे यहाँ हजारा बोलते हैं, ये गेंदा हजारा नाम से फेमस है, और ये एक तो इतनी खूबसूरत कलर है इनके, जो पीला कलर है हमारे खूबसूरती का प्रतीक होता है, शुभ का प्रतीक होता है, और जहाँ भी हम लोग कोई भी काम ऐसा करते हैं तो शुभ कार्यों में ये पीले का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए हजारा गेंदे का जो फूल है ये खूबसूरती में चार चांद लगाएगा जब यहाँ पे लगाएंगे। ये 10-20 पौधे ये बच्चे हैं जो अभी हमारे अधिकारी जैसा आपने बताया आने वाले हैं, उनके हाथ से भी इनका हम पौधारोपण कराएंगे। और सभी लोगों से हम ये भी अपील करेंगे कि अपने घर में, तो सभी लोगों से हम ये अपील करेंगे कि आप लोग अपने घरों में पौधे तो लगाएं लगाएं। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में क्रांति लेकर आए कि आप जो है अपने घर में सब्जियां भी उगाएं, क्योंकि अगर आप सब्जियां भी अपने घर में उगाएंगे तो आप एकदम शुद्ध खाना खाएंगे, आपको ऊर्जा मिलेगी, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होगी और आप स्वस्थ रह पाएंगे। क्योंकि बाहर कई प्रकार की खेती की जाती है, आपको बता दें दिल्ली के किसी काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गंदे नाली का पानी भी डाला जाता है उस खेती में, और जिसकी वजह से लोगों में परेशानियां और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इन बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। अगर आपके घर में थोड़ी सी भी जगह है तो कोशिश कीजिए कि थोड़ी सी सब्जियां भी उगाइए और पेड़ भी लगाइए, पीपल ज़रूर लगाइए, ताकि आपके घर में ऑक्सीजन बनी रहे, और इस ऑक्सीजन को लेने के बाद आपके बच्चे और आप एकदम स्वस्थ रहें। और आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज जो पौधे आप लगा रहे हैं, इन पौधों का आप ध्यान रखेंगे, इस बात का प्रॉमिस कीजिए हमसे, और आगे से हमेशा इनमें पानी भी डालेंगे और आप इनकी देखभाल रखेंगे। सभी बच्चे हाथ उठा के बोलेंगे हम इन पौधों की देखरेख करेंगे, पानी डालेंगे, कभी पौधे तोड़ेंगे नहीं। हाँ तो लो, आओ लगाओ इसको। थैंक यू सर। अभी ऐसे नहीं, पहले मिट्टी डालो, पहले इसको रखो। अरे पहले इसको खोदते तो सही। छोड़ दो, आप छोड़ दो, पूरे दबाओ उसको चारों तरफ से। वैसे हाथ में नहीं लग जाए, धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से। इधर करो करो करो, ये देखो थोड़े थोड़े चारों तरफ से ऐसे, और डेली ध्यान रखना है, ये आज ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, दूसरा लगाओ, दूसरा कौन लगाएगा? तू लगा दे इसको, दूर दूर लगाओ, पेड़ पीपल का पेड़ है, नहीं ये दूर लो, लगाओ इसको, कौन लगाएगा इसको? ले लगाओ, लग चलो करो इसको, मिट्टी भरो इसमें। क्या नाम आपका है? रवि। इसमें आपके नाम की दबाओ, इसको दबाओ अच्छी तरह से।
हैं।